एक दिन आपको अचानक पता चलता है कि एक छोटा सा नन्हा सा बिल्ली का बच्चा, कोई समझिए 2 महीने का होगा, और वो रास्ते में पड़ा है घायल। और आपको पता चलता है कि एक बाइक जो है उसको कुचल के निकल गया, और उसके जो पीछे के जो दोनों पाँव हैं वो एकदम से बेकार हो गया। तो ये जानने के बाद आप क्या करोगे, आपका क्या पहला रिएक्शन होगा? कि आप सुनोगे, सुन के जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ा ये होगा, या आहारे इश बेचारी उसका क्या होगा, ओहो भगवान ऐसा क्यों करता है, ये वाली रिएक्शन होगी। मतलब कुछ तो रिएक्शन होगा राइट। या तो आप एकदम से नहीं, रास्ते का है तो ये तो होना ही है, बहुत नॉर्मल सी बात है, ये वाली रिएक्शन होगी कि ओहो काश क्या क्या बदमाश है वो बाइक वाला, देख के चला होता। या फिर नहीं नहीं बाइक वाले की तो कोई गलती नहीं है, इसी ने शायद रास्ता क्रॉस कर लिया होगा अचानक से, आहारे, ये वाली रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी आपकी? या शायद आप एक बार के लिए सोचोगे कि क्या मैं रख सकता हूँ इसे, हाँ हमारे पास भी तो एक घर है, एक फ्लैट है छोटा सा, 1 कमरे का, 2 कमरे का, 4 कमरे का, अपना मकान है, कुछ भी है, वो तो ननी सी जान है, वो कितनी सी जगह लेगी, क्यों हम नहीं रख सकते उसे? एक बार ये ख्याल आएगा ना आपके अंदर, बस एक बार सिर्फ आप लोग सोचिएगा कि हम इंसान हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने दायरे में रह के बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं करते हैं? लेकिन हम करते भी तो हैं ना, हमारे बीच ऐसे बहुत लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, चले जाते हैं, या झूठी सी आ हा हो करके निकल जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो करते हैं, जो इनको इग्नोर करके नहीं जा सकते, नज़रअंदाज करके नहीं जा सकते हैं, है ना? ये है हमारी बेटी निंजा, अपाहिज है, थी नहीं, एक हादसे में हो गई है, रास्ते में थी, किसी ने नहीं देखा, या देखा भी लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमें पड़ा, हमारे जैसे बहुत इंसान हैं जिनको पड़ता है, क्या आपको नहीं पड़ता? एक बार सोच के देखिए। तरह गिर है ये सुलझे।